हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशानंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो बताओ आप लोग कैसे हो और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? मज़े में हो कि नहीं हो? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्रिपरेशन जो भी चीज़ की कर रहे हो बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ आप लोग। देखो, प्रिपरेशन जिस चीज़ की भी कर रहे हो, ठंड है मैं मान रही हूँ, ठंड आ रखी है, लेकिन फिर भी आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, ठीक है? ये नहीं कि सो गए किसी दिन तो चलो चलो आज जाने दो, आज नहीं पढ़ते हैं, मन नहीं कर रहा है, रजाई से ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं होता है। देखो, ठंड में किसी का काम करने का मन नहीं होता, लेकिन अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आज नहीं कर रहे हो तो कोई बंदा और होगा जो कि कर रहा होगा और वो आपकी जगह ज़रूर ले लेगा, ठीक है? इसीलिए आपको मेहनत कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है? तभी मैं बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो आप लोग, और जितना भी कराया जा रहा है यहाँ पर वो सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करा करो घर पर जा करके, जैसे भी हमारी वीडियोस देख करके करा करो। मैथ्स की मैं यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ एप्टीट्यूड की, विक्रम सर आपके रीजनिंग की लेते हैं, आपको पता होगा उन्होंने भी पूरा बेसिक से चीज़ें पढ़ा रखी हैं, हर एक लेवल पे क्या कैसे एग्जामिनेशन में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है आपको। क्लासेस वो भी बहुत अच्छे तरीके से, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, आप जा करके उनको भी देख सकते हो। और बाकी टेक्निकल की क्लासेस इलेक्ट्रिकल वगैरह की तो मैम लेती हैं, आप लोग जो भी उनसे जुड़े होंगे आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो बाकी चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, हम लोग तो यहाँ पे डेली आते हैं, अभी इधर बीच में ब्रेक हो गया था आप लोग को पता है, बट अब अभी हम लोग इधर कंटिन्यू हैं, ठीक है? तो हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे। तो एवरेज में पहले ये बताओ आप लोग कि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग पेपर उठा करके अगर देख रखे हो गया एवरेज वगैरह के क्वेश्चन, तो आपसे बनना थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी कि आपसे पूरे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ना अभी सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी मैंने सारा पढ़ाया ही नहीं आपको। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, उतने क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं है पहले आप ये मेरे को बता दो, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जिस दिन एवरेज का लास्ट लेक्चर रहेगा ना, उस दिन मैं पूछूंगी हाँ ठीक है अब बताओ आप लोग कि सारे क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो जिन बच्चों ने भी एक एक लेक्चर अगर ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो वो ज़रूर से कर ले जाओगे और समझ के करोगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन में और कैसे करना है। बेसिक नहीं फॉलो करोगे, ठीक है? ऐसे बेसिक से करने जाओगे तो आपको पता है एवरेज में 45 नंबर दे देता है, उनका एवरेज दे रखा 39.5, किसी का 39 है, ठीक है? तो आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत बार करना पड़ेगा, इसी मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए मैं आपको जो बताती हूँ तरीका हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो वो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा करने में, है कि नहीं? चलो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लासेस को शेयर भी कर दो, जिससे हमारे साथ और लोग जुड़ जाएं और मज़ा आए हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जितना भी मैंने कराया था या फिर इसके पहले के लेक्चर में, वहाँ तक आपको कहीं कोई समस्या है तो प्लीज़ आप बताओ हमें। मुझे उम्मीद है वैसे समस्या तो नहीं आई, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था, एक एक क्वेश्चन के एक एक वैरायटी के मैंने कई एग्जांपल्स लिए थे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो वो आपको कंसेप्ट सारा क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, कल एक जैसे क्वेश्चन कराया था उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक पुराना रिकॉल करते हुए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, आप अगर अच्छे से कल हमारी क्लासेस देखे होंगे तो आप जरूर से इसको कर ले जाओगे। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो, देखो किसका किसका आंसर आता है, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, अ बैट्समैन स्कोर्ड ऑन एन एवरेज 71 रन्स इन 25th इनिंग। 25 इनिंग में कोई बैट्समैन है 71 रन बनाता है, ठीक है? When score of his least inning is excluded, तो जो last inning का अगर score exclude कर दिया जाता है तो average उसका क्या हो जाता है, 73 हो जाता है, ठीक है? Then find his least score inning, तो आपको बताना है कि उसके least score वाली inning कौन सी थी। चलो बताओ, इस तरीके का question हमने पहले कर रखा, बस इसमें digit change है। कल के लास्ट लेक्चर में एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन था, बस और सिर्फ डिजिट्स का फर्क है। तो आप इसको जल्दी से करो और इसका आंसर बताओ कि क्या होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक जो भी और बच्चे हैं सारे हम लोग से जुड़ते जाओ, ठीक है?
और आप लोग शेयर भी कर दो क्लासेस। बताओ आप क्या इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करो। बाकी अगर अभी आपको और इस चीज में प्रीवियस इतना ही मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप लोग सॉल्व करे होंगे उस पे क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को अगर है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं है समस्या, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो मतलब कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ आपको और आप लोग को सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। मैं तो यही मानूंगी ना कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ और आप लोग को सारी चीजें आ रही, क्योंकि आपके डाउट्स नहीं आते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई बैट्समैन है 25 इनिंग तक वो क्या करता है, ऑन एन एवरेज 71 रन बनाता है। तो 25 इनिंग तक वो 71 रन बनाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि लीस्ट इनिंग वाला निकल रहा है, तो लीस्ट इनिंग एक निकल रहा है तो कितना बचा अभी 24। तो एवरेज क्या हो जा रहा है ना 73 बढ़ जा रहा है, एवरेज क्या हो जा रहा है 73, ठीक है। अच्छा लीस्ट इनिंग निकल रहा मतलब जो सबसे कम रन वाला इनिंग है वो निकल रहा है, तो इसका तो ये मतलब आपको साफ पता चल गया है कि जो कम वाला अगर निकलेगा तो जो बाकी थे 2400 से वो जो ले रहा था अपना इक्वल करने के लिए ऑन एन एवरेज, वो अब क्या करेगा, वो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वो तो निकल चुका है, तो वो अब लेगा क्या, नहीं लेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखो ये एक जो है ये निकल चुका है, कम रन वाला निकल चुका है। तो मैंने आपको कल समझाया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम, ठीक है। तीन बंदे हैं, उनका कुछ एवरेज है, तो अगर कम वाला एवरेज निकलता है तो हमारा ओवरऑल एवरेज क्या होता है, बढ़ता है। कम वाला निकला है मतलब हमारा ओवरऑल एवरेज बढ़ा है। क्यों हुआ, क्लियर समझ में आया कि नहीं? कल हमने बताया था उसको विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर करा था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के एक बार फिर से देख लो, ठीक है। अब देखो एवरेज बढ़ा कितने से है, तो 2 से बढ़ा है, क्लियर, यही तो 2 से बढ़ा है। देखो ऑन एन एवरेज पहले जो लीस्ट वाला था ना, ऑन एन एवरेज जो पहले लीस्ट रन वाला था, तो ऑन एन एवरेज पहले था कितना, सबका 71 ही था पहले एवरेज, ठीक है। अब इसको 24 लोगों ने मिलकर बांटा कितना है, देखो टोटल 25 है ना, लेकिन जब हम एक निकाल लेते हैं लीस्ट वाला तो बचे कितने 24, तो यही 24 लोग ही तो मिलकर के इसको एक को बांटेंगे, क्लियर ये, ठीक है। अब देखो एक ऑन एन एवरेज 2 दिया है, एक बंदे ने ऑन एन एवरेज 2 रन दिया है एक इनिंग ने, तो 24 इनिंग में कितने रन मिलेंगे, 24 इनिंग में कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, मतलब 48 रन इसको 24 लोगों ने एक्स्ट्रा दे रखा था कम वाले को कि तुम हमसे 48 रन ले लो और हमारे एवरेज के इक्वल आ जाओ, क्लियर ये, ठीक है। अब 48 रन जो है 24 लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है तब जाके ये इस एवरेज के इक्वल आया है, तो उनका खुद का कितना रहा होगा, तो आप क्या करोगे इसमें से माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि उनका खुद का कितना रहा होगा। 11 में से 8 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो मतलब उनका खुद का कितना रन रहा होगा, तो 23 रन। तो जो लीस्ट रन बना था उसने इनिंग में, लीस्ट रन वाली इनिंग कौन सी थी, तो 23 रन बनाए थे लीस्ट इनिंग में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ये आपको नोट डाउन कर लो, ये सारी चीजें मैंने आपको कल करा रखी थी, ठीक है। अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको एक बार प्रीवियस वाला रिकॉल हो जाए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया प्रीवियस पे बेस्ड, जिससे कि आपको एक पुराना जो भी चल रहा था वो सारा आप उसको लिंक कर सको, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो जल्दी से। अच्छा अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक आया एक गया, ठीक है, सिंगल पर्सन देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे कि भाई 2 लोग आए हैं निकले हैं अभी, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने, चलो रख करती हूँ अब मैं। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे और इसमें क्या है, क्या आपके क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग पढ़ो इसको और देखो, आप बताओ कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन।
देखो पढ़ो आप क्या कह रहा है कि भैया एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 43 इनिंग्स इज 69, ठीक है। 43 इनिंग में एवरेज क्या था, स्कोर 69 था। अब क्या हो रहा है, व्हेन हिज हाईएस्ट स्कोर इनिंग एंड द लोएस्ट स्कोर इनिंग आर एक्सक्लूडेड, तो जो हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग है और लोएस्ट स्कोर वाले इनिंग है उसको अब क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है। तो फिर एवरेज हो जा रहा है हमारा 67 हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है एवरेज ऑफ हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर का आपको एवरेज बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो इसको आप थोड़ा ट्राई करो कि आप कैसे कर सकते हो, कंसेप्ट यही लगेगा, ठीक है। इसके पहले एक दो बार मैंने और क्लासेस ले रखी थी, उसमें भी कुछ चीजें बता रखी थी, तो उसका इसका कंसेप्ट मिलाकर के लगेगा कुछ नया नहीं है। जो मैंने पढ़ाया था सब उसी पे बेस्ड है। आप बस एक बार थोड़ा सा दिमाग खोलो अपना और सॉल्व करो कैसे करोगे, क्वेश्चन समझो पहले, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कैसे करोगे आप, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, सिंगल बंदा था, अभी क्या है हमारा दो आ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे, एकदम अच्छे से समझते समझते देखते हैं। चलो क्या कह रहा है, 43 इनिंग है भाई, 43 इनिंग में क्या है 69 रन है, तो 43 इनिंग में, ये थोड़ा सा गीला है वेट, 43 इनिंग में 69 है। अब ये चीज पहले आप मेरे को बताओ कि इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट निकला है, तो ऑन एन एवरेज जो है, ऑन एन एवरेज आपका घटा है, ऑन एन एवरेज घटा है, ठीक है, ये तो आपको दे रखा है। तो जो हाईएस्ट और लोवेस्ट निकला है तो वो अपना जितना भी एक्स्ट्रा लेकर के निकला है, तो वो उनको मतलब जो उनको बांटा था वो उनसे लेकर के निकला है, या फिर जो उनसे खुद लिया था वो उनको वापस दे करके निकला है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं आपको। देखो हाईएस्ट है लोएस्ट है, दोनों मिल करके निकले हैं, ठीक है। एवरेज घट गया है, ठीक है। तो एवरेज घटा क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट वाला अपना नंबर कुछ क्या कर रहा था, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ना, अब उनपे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। भैया मैं अगर मान लो 40 बच्चे हो आप लोग और मैं हूं, ठीक है, अब आप पे कुछ कुछ रुपए थे, ऑन एन एवरेज आपका आपका और मेरा मिला करके ऑन एन एवरेज 40 रुपए था, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा रुपए लाती हूँ, मान लो मैं 500 रुपए लेकर के आती हूँ, ठीक है। तो जब मैं निकलूंगी तो एक तो 40 जो एवरेज था वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा सारा जो मेरे पे रुपए थे 450, वो मैंने आप 40 लोगों में तो डिस्ट्रीब्यूट करे थे ना, तो जब मेरे को आप निकाल दोगे तो मैं अपना रुपया सारा लेकर के निकलूंगी, तो आपका जो एवरेज है वो कम हो जाएगा ना, यही मैं पूछ रही थी, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? देखो अपने सराउंडिंग से अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करो और फिर समझो तो ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। और देखो इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, रट्टाफिकेशन नहीं है ये कि रट लिया हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हो रही है चीजें, कब कौन किसको बांट रहा है, ज्यादा है किसके पास है, किससे लेना है, क्यों ले रहे हैं, सारी चीजें आपको खुद समझनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग। 43 इनिंग में भाई क्या है, 43 इनिंग में 69 रन है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अब क्या होता है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट ये जो है माइनस हो रहे हैं, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो हमारे पास इनिंग बच कितनी रही है, 41 इनिंग ही तो बची। भैया 43 टोटल थी, दो हमने एक्सक्लूड कर दिया मतलब निकाल दिया है, तो हमारे पास इनिंग बची कितनी, 41। अच्छा अभी जो 41 इनिंग बची है तो उसका ऑन एवरेज क्या है आपका, घट गया है, कितना हो गया है 67 हो गया है। क्यों घटा है ये मैं आपको बताई, समझ में आया, ठीक है। कितना घटा है, तो 9, ये 7, 8 9, मतलब 2 घटा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 2 रन घटा है हर इनिंग पे, क्लियर, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो पहले हमें एवरेज निकालना है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम टोटल हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर जो भी रन थे वो थे कितने, ये तो हम जान लेंगे तभी तो निकालेंगे। तो पहले हम हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर टोटल रन जो थे, मतलब नंबर मतलब रन, तो हाईएस्ट रन
और लोएस्ट रन का सम क्या था, तो ये हम पहले फाइंड आउट कर ले कि भैया हाईएस्ट रन हमारा कितना था और लोएस्ट रन कितना था, सम क्या था, ठीक है। तो देखो ऑन एन एवरेज हाईएस्ट का भी हमारा 69 था, ऑन एन एवरेज हमारा लोअर का भी, लोअर रन रेट का भी क्या था, 69 था एवरेज, ठीक है, क्लियर। तो टोटल मिला के हुआ कितना, 9, 9, 18, 6, 6, 12, 1, 13, मतलब 138 यहाँ पे उनका ऑन एन एवरेज तो था ही, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये जो हाईएस्ट निकला है, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये हाईएस्ट के पास ज्यादा रहा होगा, जो कि इन सबों को 41 लोगों को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ठीक है। तो वो अपना ले करके निकलेगा, क्लियर ये चीज। अच्छा, तो कितना टोटल उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये कैसे पता चलेगा, तो भाई ऑन एन एवरेज 2 घट रहा है, ठीक है, 2 घट रहा है ऑन एन एवरेज, 2 किस पे घट रहा है, तो 41 लोगों को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया था इन हाईएस्ट और लोएस्ट वाले नंबर ने, तो कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, 2, हर एक को कितना दिया था, 2, तो टोटल कितना हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, कितना हुआ, 2 × 2 = 4, 2 × 8, मतलब टोटल 82 जो है हाईएस्ट और लोएस्ट मिलकर के 41 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। अब लेकिन जब इनको ग्रुप से निकाल दिया जा रहा है तो ये क्या करेंगे, भाई 82 रन जो है मेरा 2, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा मेरा 2, मैं अपना लेकर के जाऊंगा, ठीक है। तो ये 82 अपना लेकर के जाएंगे, मतलब ये 69 तो इनका पहले से था ही ऑन एन एवरेज, जो अभी ये 82 अपना लेकर के भी चले जाएंगे, तो ये हम क्या करेंगे, एड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एड कर हुआ कितना, 8, 2, 10 और 8, 3, 11, 1, 12 और यहाँ पे 2, कितना हुआ, 220, मतलब टोटल हाईएस्ट प्लस लोएस्ट रन मिला के कितना हो जाएगा, तो 220 रन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मिलके होगा। अब आपसे पूछा एवरेज बताओ, एवरेज क्या करोगे, 2 ही नंबर है, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 220 को भी आप डिवाइड कर दोगे 2 से, आपका क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, मतलब आपका हाईएस्ट रन और लोएस्ट रन का एवरेज क्या है, तो आप बोलोगे 110 है, क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। इसको मैं आपको बहुत ध्यान से इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि समझो इस चीज को यहाँ पे, कि इसने दिया है, डोनेट करा है या फिर लिया है इन लोगों से, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। अगर इन बंदों ने इन दो को डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो हमें माइनस करना होता है यहाँ पे। अब क्या है, ये हाईएस्ट और लोएस्ट वालों ने ही 41 लोगों को दिया था यहाँ पे, ठीक है, तो इनसे वापस ले रहा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस करना पड़ा है। तो ये प्लस और माइनस क्यों करना पड़ा है, ये आप जब समझोगे तभी तो कर पाओगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये रटने वाली चीज नहीं है कि आपने रट लिया और हो गया आपका काम बन गया, ये आपको समझ के ही करना पड़ेगा, ये आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको फिर समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है, इसको नोट डाउन करो आप लोग। इसको मैं रख कर देती हूं अभी, अब पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, बिल्कुल इसी तरीके का है, ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करो, बिल्कुल इसी तरीके का आप लोग उसको ट्राई करो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है और उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि हाँ कैसे होगा। बाकी अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं तो वही बता ही रही हूं, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करो, ठीक है। देखो, और हाँ आप लोग से एक और चीज बोल रही है कि आप लोग देखो प्रॉपर नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, अगर अभी प्रॉपर नोट्स आप नहीं बनाओगे ना तो फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पे चीजें इतनी ढेर सारी रहेंगी और आप बार बार उसको कहाँ से रिविजन करोगे, क्या करोगे, आपको समझ नहीं आएगा। जब अगर आप पे एक नोट्स रहेगी, सारे क्वेश्चंस एक जगह कलेक्ट रहेंगे, कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे बताती हूँ वो आप अगर आप लिख लोगे अच्छे से अपने लैंग्वेज में, मैं समझा रही हूँ उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसे भी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी नोट्स एक प्रिपेयर रहेगी तो आपको एग्जामिनेशन टाइम पे लास्ट मोमेंट पे रिविजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, इसीलिए नोट्स बहुत जरूरी, आप लोग प्रॉपर नोट्स एक बना लो, ठीक है। चलो इसको हम लोग करते हैं,
क्वेश्चन पहले देखो क्या बोल रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन हिज फर्स्ट 40 इनिंग्स इज 62 रन. 40 इनिंग में एवरेज स्कोर क्या है? 62 रन है. अब हाईएस्ट और लोएस्ट को फिर इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है, दैट मींस निकाला जा रहा है. फिर एवरेज हमारा क्या हो जा रहा है? 59 रन कम हो जा रहा है. अब क्यों कम हुआ है? क्लियर हुआ ये चीज ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्या कह रहा है ना कि हिज हाईएस्ट स्कोर इज 230 मोर देन लोएस्ट स्कोर. उसका हाईएस्ट स्कोर जो है लोएस्ट के कंपैरिजन में 230 ज्यादा है. तो बताओ हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर क्या है, ये आपसे पूछ रखा है. ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. जिन्होंने भी अभी प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं का कर रखा होगा उनको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है, चले करें हम लोग. आप लोग ट्राई कर लिए, अब मैं करूं. इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूट करना, बस उसमें वही करना डिस्ट्रीब्यूट लास्ट में, और कुछ भी नहीं है. इसके पहले वाला जो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी पे बेस्ड है. बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैंने बताया था लास्ट में आपको वो अप्लाई करना है, या फिर आपको जैसे इच्छा हो. आप अगर एक्स मान के करना चाहते हो तो एक्स मान के भी कर सकते हो. ठीक है, करें हम लोग. चलो करते हैं हम लोग. ठीक है, देखो कितने इनिंग्स है. 40 इनिंग्स है टोटल. ऑन एन एवरेज 62 रन है 40 इनिंग्स का. ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्सक्लूड किया जा रहा है, निकाला जा रहा है. तो जब हाईएस्ट और लोएस्ट रन निकाल लोगे आप, तो आपका बचेगा कितना भाई? 40 इनिंग थी और हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल लिए, तो आपकी इनिंग कितनी बची? 38 इनिंग बची. ठीक है, अब 38 इनिंग का एवरेज क्या है आपका? तो क्या दे रखा है? 59 रन. ठीक है, ये इतना डेटा आपको गिवन है. यहां से एक चीज तो क्लियर है कि भाई हाईएस्ट स्टार्टिंग में क्या था? 62, और लोवेस्ट भी क्या रहा होगा हमारा? 62. क्लियर, ठीक है. अब देखो एवरेज घट कितने से रहा है? तो 3 से घट रहा है. 3 से घट रहा है ना. क्यों घट रहा है एवरेज 3 से? क्योंकि ये जो हाईएस्ट रन था वो अपना रन क्या किया था? 3800 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था. लेकिन जब हाईएस्ट वाले को आपने क्या करा, ग्रुप से निकाल दिया है, तो जो वो बोला कि भाई मैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं नहीं करूंगा, मैं अपने संग लेके जाऊंगा, तो वो क्या करा, अपने संग लेके चला गया जितना भी डिस्ट्रीब्यूट उसने करा था. तो अब डिस्ट्रीब्यूट करा कि तो उसने कितना था कैसे पता चलेगा? तो भाई ऑन एन एवरेज कम कितना हो रहा है? तो 3 हो रहा ऑन एन एवरेज कम. कितने लोगों पे? तो हर एक 3800 बंदों का 3-3 एवरेज कम हो रहा है. मतलब ये 38 बंदे 3-3 एवरेज क्या किए थे? लिए थे किससे? हाईएस्ट वाले से. ठीक है, समझ में आया? तो टोटल कितना रन लिए थे? 8×3=24 और 3×3=9=10-11. ठीक है, मतलब 114 रन क्या करा था ना इन लोगों ने, 38 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा था. अब जब इनको ग्रुप से निकाला जा रहा है तो ये अपना 114 रन ले करके निकलेंगे. ठीक है, तो पहले देखो ये 2, 2, 4, 6, 6, 12 ऑन एन एवरेज इन दोनों का सम कितना रहा होगा? 124. लेकिन जब निकल रहे हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करा था 114 वो भी क्या करेंगे? अपना ले करके निकल लेंगे. ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, इनका हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रन मिला करके कितना बनाए थे? तो 4, 4, 8, 2, 1, 3, 238. मतलब टोटल हाईएस्ट प्लस लोएस्ट रन मिलाकर के कितना बनाया था इन लोगों ने? 238. यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल प्रीवियस जैसा क्वेश्चन पे था बेस्ड. ठीक है, इतना समझ में आया. अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि हिज हाईएस्ट स्कोर इज 230 मोर देन लोएस्ट स्कोर. तो ये मान लो आपका हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है. तो हाईएस्ट स्कोर क्या है इससे? 230 ज्यादा है. तो ये अगर जीरो है तो ये क्या होगा? 230 रहा होगा. ठीक है, अब जो ज्यादा है 230 क्या करो, टोटल में से माइनस कर दो. तो बचा कितना आपका? 8. अब जो भी बचा है
जितने लोग हैं यहाँ पे दो ही हाईएस्ट और लोएस्ट है, तो इन दोनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अदरवाइज जितने भी लोग होंगे आप उसमें क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पे कितने लोग हैं, दो लोग हैं, आठ को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोगों में, कैसे करोगे, चार इसको दे दोगे और चार इसको दे दोगे, ठीक है, ऐड करके लिख लो। तो हाईएस्ट क्या आ गया आपका 234 और लोएस्ट क्या आ गया आपका 4। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा एक तरीका मैं इसका आपको और बता देती हूँ हाईएस्ट और लोएस्ट फाइंड आउट करने का। देखो हाईएस्ट और लोएस्ट आपने राइट साइड में मैं बता दे रही हूँ, हाईएस्ट और लोएस्ट आपका कितना आया है 238। यहां से मैं लिख देती हूँ हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आपका क्या आया है 238 और इनका डिफरेंस क्या है, मतलब हाईएस्ट ज्यादा है ना लोएस्ट से, तो कितना है 230 ज्यादा है, कितना ज्यादा है आपका 230 ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करो, हाईएस्ट जब आपको निकालना हो ना तो इन दोनों का सम करके दो से डिवाइड दे दो, और लोएस्ट निकालना है जब आपको तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इन दोनों का और दो से डिवाइड कर दो। क्लियर, मतलब हाईएस्ट निकालना हमें यहाँ तो 238 प्लस 230 डिवाइड बाय 2 और यहाँ लोएस्ट में क्या करना है 238 माइनस 230 डिवाइड बाय 2। हमेशा आपका हाईएस्ट और लोएस्ट का अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या है 4 6 8 / 2 हाईएस्ट और लोएस्ट क्या है यहाँ पे 8/2। यहाँ से आपका हाईएस्ट क्या आ गया 2 × 4 = 6 2 × 4 हाईएस्ट और लोएस्ट क्या आ गया आपका 4। देखो यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है 234 हाईएस्ट और लोएस्ट क्या आ रहा है 4, यहाँ भी 4, ये 4 टेढ़ा लिखा गया है, ठीक है 4। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो इस तरीके से थोड़ा इजी हो जाता है, इस तरीके से भी इजी हो जाता है, बसरते आप लोग ये अगर स्टेप लिखो मत, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट लिख रखा है कि आपका अगर कभी भी आपका एलजेब्रा भी जब आएगा ना उसमें भी कई बार होता है क्या, a प्लस बी की कुछ वैल्यू दे रखी होती है, a माइनस बी की कुछ वैल्यू दे रखी होती है, आपसे a इंटू बी पूछ लेता है, तो आप यहाँ से a और b की अलग अलग वैल्यूज निकाल लोगे कैसे, भैया जो पहले है इन हाईएस्ट वाला जो भी निकालना रहेगा आप इन दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड कर देना, और जो लोवेस्ट वाला रहेगा क्या होगा, हमेशा इन दोनों को डिफरेंस निकाल के दो से डिवाइड कर देना, हमेशा आपका वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये आई कहाँ से क्या सब कुछ ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसको नोट डाउन कर लो, अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज, ये आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं रैप कर दूं, ठीक है, चलो इसको मैं रैप कर देती हूं, पहले इधर वाले एरिया को रब कर दे रही हूं, देखो ये चीज भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट बना करके लिख लेना जो मैंने बताया है। अब आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, पहले पढ़ो उसके बाद ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि एवरेज हाइट ऑफ 40 फ्रेंड्स इज 171 सेंटीमीटर, 40 फ्रेंड है उनकी ऑन एन एवरेज हाइट क्या है 141 सेंटीमीटर है। अब इफ हाइट ऑफ ए बी सी आर एक्सक्लूडेड, अभी तक पहले हम लोग एक निकाल रहे थे, फिर हमने दो को निकाला, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं तीन बंदों को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो तीन बंदों को जब निकाला जा रहा है तो एवरेज आपकी हाइट हो क्या जा रही है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ए इज 1 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ बी एंड हाइट ऑफ सी इज 3 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ बी, देन फाइंड द हाइट ऑफ बी। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, जब तीन फ्रेंडों को निकाल देते हो एबीसी को तो आपकी एवरेज हाइट हो क्या जाती है 170 सेंटीमीटर। तो अब इसमें बोल रहा है कि अगर ए की हाइट 1 सेंटीमीटर ज्यादा है बी से और सी की हाइट 3 सेंटीमीटर कम है बी से, तो आपको बी की हाइट बतानी है कि क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया, करो आप लोग,
जल्दी से आप लोग करो इसका आंसर, बताओ आप लोग क्या आ रहा आपका। बिल्कुल इसके पहले अभी जैसे हमने करा है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे तीन लोग निकल रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एक को निकाला, अब दो को, अब तीन को हम निकाल रहे हैं। देखो क्या है, 40 फ्रेंड हैं, कितने हैं आपके 40 फ्रेंड हैं, ऑन एन एवरेज क्या है हाइट 171 है। अब तीन फ्रेंड को निकाल ले आप, तो ए बी सी तीन फ्रेंड है, इनको निकाल दिया आपने, तो आप पे कितने बचेंगे 37 लोग बचे हैं, ठीक है। 37 लोग अभी भी क्लास में हैं, तो उनकी हाइट क्या हो जाती है ऑन एन एवरेज, फिर 170 हो जाती है, क्या हो जाती है 170 हो जाती है, ठीक है। अब देखो आपको ए बी सी में फिर आगे रिलेशन दे रखा है, आपको फिर फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले हमें ए बी सी की वैल्यूज क्या है ये हमें टोटल निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो भाई जब ए बी सी को एक्सक्लूड नहीं किया गया था, निकाला नहीं गया था, तो उनके पास एवरेज हाइट थी कितनी सबके पास 171, ये क्लियर है। तो भैया आप ए की भी 171 थी, बी की भी 171 थी, और सी की भी आपकी 171 थी, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज इनकी हाइट थी, टोटल क्या हुआ 513 टोटल उनकी हाइट का सम था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एवरेज क्या हो रहा है, घट जा रहा है, एवरेज घट रहा है किससे, एक से, एवरेज घट रहा है एक से। मतलब इन लोगों पे ए प्लस बी प्लस सी जो एक्स्ट्रा इन 37 लोगों को दे रहे थे वो भी क्या अब उनसे लेकर के निकल रहे हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा ए बी सी इनको डोनेट कर रहे थे, अपना हाइट का कितना डोनेशन कर रहे थे इनको, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो भाई एवरेज हमारी एक से डिक्रीज हुई है, मतलब हर एक बंदा एक लेकर के, हर एक बंदा एक जो है, हर एक बंदे का एक एवरेज एक घटा है, एक जो भी हाइट है जो भी गिवन आपको, हर एक बंदे का एक एक सेंटीमीटर हाइट कम हुआ है, क्लियर। टोटल बंदे हैं कितने, तो 37, मतलब 3700 बंदों का एक एक सेंटीमीटर हाइट कम हुआ है। तो ये सेंटीमीटर जो हाइट 37 कम हुआ, क्यों हुआ है कम, क्योंकि ए बी सी को हमने निकाल दिया है ग्रुप से, ठीक है। तो ये हाइट जो है 37 ए बी सी ने ही बांट रखा था इनको, अब जो है जब इनको निकाल दिया तो ये अपना हाइट लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो इनपे 37 इन्हीं की हाइट थी, क्लियर ये चीज। तो आप ऐड कर लोगे 7 × 3 = 10, 3 × 4 = 5, 550। तो ए प्लस बी प्लस सी का आपका हाइट टोटल क्या आ गया, 550 आ गया, क्लियर। यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी है आपको, समझ में आ गया ना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अब आगे देखो, आगे जो आपको कंडीशंस गिवन है हम लोग वो पढ़ते हैं। यहाँ पे ए को लिख लेते हैं, यहाँ पे बी को लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम सी को लिख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए इज 1 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ बी। अगर मान लो बी आपका 0 है, ए इससे क्या है, ज्यादा है ए, ठीक है, ए इससे एक ज्यादा है, मतलब एक है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, देन बी एंड हाइट ऑफ सी इज 3 सेंटीमीटर लेस देन हाइट ऑफ बी, ठीक है। तो ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, इसको तो 3 कम 2 नहीं, तो क्या करोगे आप, बी को 3 ज्यादा दे दो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात भाई। सी को तो 3 कम 2 नहीं, आप हाइट माइनस कैसे करोगे, तो क्या करो आप, बी को 3 ज्यादा दे दो। तो मतलब यहाँ पे आप क्या करो, सी 0 है आपका अभी कर लो, और बी को 3 एक्स्ट्रा दे दो, तो बी कितना हो गया आपका 3। अब 3 हो गया तो इसको और एक एक्स्ट्रा मिला है बी के कंपैरिजन में ए को, तो ये ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर ये चीज, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा वाले जो भी है, ये आपको समझ में आया ना, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कितना है, तो भाई 4 और 3 = 7, 4 + 3 = 7, 7 हमारे एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करोगे, ये 550 में 7 क्या करोगे आप, हाँ माइनस कर लोगे, ठीक है। तो आपका बचा कितना, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, 550 माइनस कर लोगे आप 7, 10 × 7 = 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो आपका कितना बचा, 543। अब इसको क्या करोगे आप, आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो कितना हर एक बंदे के पास जाएगा, 3 × 3 =
8 × 3 = 24, 1। तो हर एक बंदे के पास 181 सेंटीमीटर एज जाएगी, सॉरी एज नहीं, जो भी आपका हाइट है। तो 181 इसके पास भी गया, 181 इसके पास भी गया और 181 इसके पास भी चला गया। अब इनके पास जो भी एक्स्ट्रा था वो आप ऐड कर लो। तो सी के पास कितना था, 0 × 181 हुआ। बी के पास कितना हो गया, 184। और ए के पास कितना हो गया, 185। आपका पूछा था बी का हाइट, तो क्या आ जाएगा, 184 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज, समझ में आई बात, इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। बस इसमें देखो, इसके पहले जो मैंने आपको बता रखा था कि इस कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी कंसेप्ट इसमें लास्ट में आपका लगेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, इत्मीनान से समझना। नहीं समझ में आए फिर से देखना, अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो फिर से आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। बट आप एक बार देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप, एक एक चीजें बहुत ध्यान से समझाई हूँ, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और बहुत धीरे धीरे इसीलिए हम लोग चल रहे हैं। एक एक जितने भी कंसेप्ट है उसमें लगभग कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व हम लोग कर ही रहे हैं, जिससे कि आप लोग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमें पता था नंबर, ठीक है, कितने पहले स्टूडेंट थे, मान लो क्लास है, क्लास में कितने स्टूडेंट थे ये हमें पता था, इनिंग्स क्रिकेट में कितनी इनिंग्स थी ये पता था, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स कितने थे ये हमें पता था। अब हमें क्या करना है, और बाकी चीजें दे रखी हैं हमें, कितने ऑफिसर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने इनिंग्स हैं, ये अब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर हमें बैक पे जाना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले कर रखा होगा, बट ये थोड़ा सा चेंज है उससे। कैसे चेंज है ये आप जा करके देखना, और अगर आप किए तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है, आएगा मतलब। अभी तो ये मैंने अभी कराऊंगी, अभी कराया नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं रख कर दे रही हूँ, पहले इधर का रख कर देती हूँ, जिससे आप पे क्वेश्चन आ जाए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। चलो क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ आपको। पहले देखो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आधी टेंशन वही खत्म हो जाती है, और आप आधा वही समझ में आ जाता है कि करना क्या है। जब आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ में एकदम ही नहीं आएगा, आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो आप लोग। क्या कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता है, तो कुछ स्टूडेंट हैं उनके द्वारा एवरेज मार्क्स प्राप्त किया गया है, कितना, 64 अंक। अब क्या कह रहा है, जो टॉपर का मार्क्स है जो कि है 99, वो क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका एवरेज 63 हो जा रहा है, एवरेज आपका 63 हो जा रहा है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टार्टिंग में कितने नंबर थे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे टोटल, या आपको कितने विद्यार्थियों की संख्या थी, या आपसे पूछा है, बताओ कैसे करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा है कि ये प्रीवियस वाला जैसा करा रखा था मैंने उस पे बेस्ड है, आप लोग करो उस तरीके से, ट्राई करो, आप बताओ मेरे को आपका आंसर क्या आएगा। है वही चीज, अप्लाई वही होगी, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है इसमें, बहुत माइनर सा। और अगर ध्यान दोगे, जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तब क्या पढ़ाई थी, अभी क्या पढ़ाई थी, अगर बहुत अच्छे से ध्यान दोगे ना तो जरूर कर ले जाओगे। चलो करूं, मैं स्टार्ट करूं, आप लोग ट्राई कर रहे हो, ट्राई करो, आप लोग आंसर दो, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नहीं पता कितने स्टूडेंट है, हम मान लेते हैं हमारे भाई एक्स स्टूडेंट है टोटल। ऑन एन एवरेज उनके मार्क्स क्या है, 64 मार्क्स वो ऑन एन एवरेज प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टॉपर को हम हटा दे रहे हैं, माइनस टॉपर कर दे रहे हैं, जो कि 99 अंक प्राप्त किया था,
ठीक है, तो बचे कितने भाई, x माइनस वन लोग बचे, क्लियर ये। अब देखो उसके बाद आपका जो ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है, 63 हो जा रहा है, घट जा रहा है ना आपका एवरेज, क्या हो जा रहा है आपका एवरेज 63 हो जा रहा है, ये चीज क्लियर, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि 64 से 63 हुआ है एवरेज, मतलब आपका एवरेज घटा है, कितना घटा है, तो एक घटा है, एक घटा है ना, ठीक है। तो जो आपका टॉपर निकला है वो आप इससे आसानी से कह सकते हो ना कि उसका बहुत मतलब ज्यादा नंबर रहा होगा और वो अपना ज्यादा नंबर ले करके निकल गया, जो एक्स्ट्रा इन लोगों में बांट रहा था वो अपने संग अपना ले करके निकल गया, इसकी वजह से हमारा एवरेज घट गया है। ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना इतना, ठीक है। अब देखो मैं पूछूं अगर आपसे कि भाई जो टॉपर था कितना नंबर इन लोगों में बांट रहा था, एक्स माइनस वन में कितना नंबर बांट रहा था, क्या बोलोगे आप भाई जो टॉपर है, मैं पूछ रही हूँ कि अपना टॉपर जो है अपना कितना नंबर बांट रहा था, पहले आप मेरे को ये बता दो कि कितना नंबर बांट रहा था। देखो 99 नंबर तो टॉपर लेकर के आया था, 99 नंबर टॉपर प्राप्त किया था। अब जो है ऑन एन एवरेज टॉपर और जितने बच्चे स्टूडेंट है, जब सब थे ऑन एन एवरेज तो कितना नंबर उसका सबका एवरेज था, तो 64 था, ठीक है। तो 99 टोटल प्राप्त किया था लेकिन ऑन एन एवरेज 64 उसका हुआ, तो जो एक्स्ट्रा है वही तो उसने डिस्ट्रीब्यूट करा टॉपर ने बाकियों को, क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करा, तो 99 में से 64 आप माइनस कर दोगे, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, मतलब 35 अंक अपने टॉपर ने क्या करे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इतना समझ में आया, इतने तक में को तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो कि भाई 35 नंबर तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लेकिन ऑन एन एवरेज हर एक बंदे पे कितना बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, हर एक बंदे पे कितना कम हो रहा है, तो हर एक बंदे पे एक एक कम हो रहा है ना, हर एक बंदे पे जब एक कम होगा तो मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं, कितने लोग रहे होंगे, तो 35 लोग ही रहे होंगे, कितने रहे होंगे, 35 लोग रहे होंगे, तभी तो हर एक बंदा क्या किया होगा, एक एक रन ले, रन क्या है यहाँ पे, क्या है मार्क्स है, तो एक एक मार्क्स 35 लोगों को, हर एक को, ये जो टॉपर है हर 35 लोगों को सबको एक एक मार्क उसने दिया होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एवरेज आपकी 2 से अगर डिक्रीज होती तो हम क्या करते, तो हमारे नंबर कैसे निकलते, आप यहाँ 2 से डिवाइड कर देते। मान लो यहाँ 5 से डिक्रीज होती तो आप यहाँ क्या करते, 5 से डिवाइड कर देते, फिर आपका क्या जाता, 5 से डिवाइड करते 5 से 35, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 आ जाते, ठीक है। जितना भी आपका यहाँ पे डिफरेंस होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ये तो यहाँ पे आपका मैटर करेगा, लेकिन जितना भी डिफरेंस होगा उससे आप क्या करोगे, डिवाइड दे दोगे, आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर कितने थे, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो मतलब हमें पता चल गया कि जो टॉपर है ना वो 35 लोगों में अपना क्या किया है, एक एक नंबर बांट दिया है। तो ये जो 35 लोगों में बांटा है, ये 35 लोगों कौन है, तो ये 35 तो ये लोग है ना, टॉपर ने इन 35ों लोगों को बांटा, मतलब अपने आप को इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। तो ये एक्स माइनस वन है 35, तो स्टार्टिंग में पूछा है आपसे विद्यार्थियों की संख्या क्या रही होगी, तो उसमें टॉपर भी इंक्लूड था, तो 35 बाद में जब टॉपर निकल जाता तो स्टार्टिंग में क्या रही होगी, तो 35 + 1 = 36, तो स्टार्टिंग में आपके विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 36, क्लियर ये चीज समझ में आया। इसको नोट डाउन करो आप लोग, इसको नोट डाउन करो आप लोग, इस तरीके का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप लोग उसको ध्यान से देखना, इसीलिए ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये नोट डाउन करो आप लोग, नोट डाउन करो, फिर इसी पे बेस्ड जिसको भी अभी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, फिर एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे और फिर समझेंगे कि क्या कैसे हो रहा है चीजें, ठीक है। अभी आप पहले क्या करो, इतना नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया आपने,
अगर देखो दिक्कत है आपको, नहीं समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यही मान के चल रहे हैं, हम लोग का, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपको ये मान के चलूंगी आपको कुछ नहीं आता, और बहुत अच्छे से इत्मीनान से आराम से पढ़ाऊंगी, जिससे कि जो एकदम बिल्कुल बिगनर बच्चा है, जिस कभी नहीं पढ़ा है, वो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, तो चीजें वो भी सीख सके, उसको भी आ सके, ठीक है। ये नहीं करा हमने कि चलो चार क्वेश्चन उठाया, हाई फाई करा दिया तो खत्म कहानी, नहीं, आपको सीखना है, इसीलिए हमने एकदम बहुत बेसिक से उठाया है। पहले हमने एकदम पूरा स्टार्टिंग से बताया कि क्या कैसे होता है, कैसे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करते जा रहे हैं, जिससे आपको भी मजा आएगी, समझ में आएगा, और हमें भी खुशी मिलेगी कि चलो ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ कुछ आप लोग के काम आ रहा है, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर दूं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप पे आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, एकदम इसी पैटर्न पे है ये भी, आप लोग उसको ट्राई करो। हर एक पैटर्न के मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन ले रही हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप लोग भी बहुत इत्मीनान से आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपका कोई रिसेंट में अगर पेपर है तो आप मेरे को बताओ कि आपका किस चीज का एग्जाम है। देखो ये सारी चीजें अगर आप लोग डिस्कस करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपका किस चीज का पेपर है, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर चीजें ले आएंगे, और तो और बस आप लोग कमेंट करके हमें बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा, है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ो कि एवरेज वेट ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 67 kg। क्या कह रहा है कि क्लास में आपके स्टूडेंट का एवरेज वेट है किसी क्लास के, अरे उल्टा लिख रखा है, क्या लिखा है, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास होगा, ठीक है। तो किसी क्लास के स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या है, 67 kg है। व्हेन द वेट ऑफ वन स्टूडेंट हुज वेट इज 97 kg एक्सक्लूडेड, तो एक बंदा जिसकी वेट, जिसका वेट 97 kg है, उसको निकाला जाता है, वो निकलता है तो क्या होता है, एवरेज वेट 66.5 हो जाती है आपकी, तो क्या हो रही है, कम हो जा रही है। आपको पूछा है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास में ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, ये आपसे पूछ रखा है। बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, एकदम उसी तरीके का है, ठीक है, करते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट, हमने क्या मान लिया कि भाई हमारे पे एक्स स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है, हमारे पे एक्स स्टूडेंट रहे होंगे, हमें नहीं पता कितने थे, तो लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसका एवरेज क्या रहा है, 67 kg रहा है वेट का। अब क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट इसमें से जा रहा है जिसका वेट क्या है, 97 kg है, 97 kg है। जब उसको निकाल लिया तो हमारे पे बचे कितने स्टूडेंट, x माइनस वन, ठीक है, इनका वेट क्या हो जा रहा है, एवरेज 66.5 हो रहा है, 66.5 है ना, हाँ 66.5 kg हो जा रहा है। तो आपसे पूछा है ना कि स्टार्टिंग में हमारे पे कितने स्टूडेंट रहे होंगे, ये आपसे पूछ रखा है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। ध्यान से इसमें देखो कि 67 से एवरेज 66.5 हो जा रही है, मतलब कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, तो 0.5 ऑन एन एवरेज कम हो रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो कम क्यों हो रही है, क्योंकि भाई ये जो था 97 kg वाला, वो क्या किया है, अपना वेट लेकर के निकल गया है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकर के निकल गया, तभी तो वेट कम हो गई है। अच्छा अब आप मेरे को बताओ जल्दी से कमेंट करके कि जो बंदा था 97 kg वाला, वो अपना कितना वेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ये आप जल्दी से फटाक से कमेंट करके मेरे को बताओ, जल्दी से आप सभी लोग बताओ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये जो बंदा है कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीजें मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूं, तो आप लोगों को ये चीज आ गई होगी और आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आई है तो फिर ये आप लोग
ध्यान से सोचो एक बार बैठ के कि आप लोग कर क्या रहे हो। जो चीजें मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, अगर आपको वो भी नहीं आया है एक बेसिक सा, तो फिर आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, खुद से एक बार पूछो। ठीक है, देखो क्या है उसकी वेट, तो क्या था उसका वेट, जो बंदा गया है उसका वेट क्या था, 97 kg। लेकिन जब सभी सब मिल करके थे तो सबका एवरेज वेट क्या था, 67 था। सबका एवरेज वेट 67 था, मतलब ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, उसने क्या किया है, ये जो 30 एक्स्ट्रा वेट है उसने क्या किया है, बाकी जो बचे लोग थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्लियर ये चीज, मतलब जो अपना 30 वेट है उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, अब ये देखो 30 वेट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ऑन एन एवरेज हर एक बंदे को कितना कितना ले लिया है, 0.5 जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऑन एन एवरेज हर एक बंदे पे कितना घट रहा है, तो उससे 0.5 घट रहा है, तो उससे क्या करो आप डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पे वो घटा है। क्लियर ये चीज, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कितने से वापस लिया है। ठीक है, तो क्या करोगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, 6 × 25 कितना आ गया, 60। तो टोटल कितना आ गया, 60। अब यहां से ये पता चल गया कि टोटल हमारे कितने स्टूडेंट यहाँ रहे होंगे, तो 60 स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये 60 स्टूडेंट थे कब, जब ये एक स्टूडेंट को हम लोग निकाल देते हैं 97 kg वाले से। आपसे पूछा कि स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट रहे होंगे, तो भाई स्टार्टिंग में जो निकाला गया उसको निकालेंगे नहीं हम, वो भी ऐड हो जाएगा, तो कितने रहे होंगे, 60 + 1 = 61। तो स्टार्टिंग में हमारे टोटल कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 61 स्टूडेंट। अब क्लियर हुआ आपको, अब समझ में आया कि नहीं, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, पहले नोट डाउन कर लो इसको आप लोग, समझ में आ गया ना ये सारी चीजें आपको, इसको नोट डाउन करो आप लोग। अभी तक देखो हम लोग क्या कर रहे थे, कोई बंदा आ रहा था, कोई एक बंदा जा रहा था, ठीक है, या ग्रुप में आ रहे थे, तो अभी हम लोग मतलब 2-3 बंदे आ रहे थे, 2-3 बंदे जा रहे थे, अभी हम लोग पूरा इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा पहले बताओ आप लोग, इतने तक में, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है आपको, सारे कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी तक मैं क्या कह रही हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बंदा आया, एक बंदा गया, ग्रुप में आया, ग्रुप में गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, रिप्लेसमेंट देखेंगे। रिप्लेसमेंट कैसे, देखो क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखा होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ बंदे हैं, ठीक है, मतलब 60 मान लो क्लास में क्या है, 60 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है आपके, एक बंदा गया और एक बंदा आया। ठीक है, 40 स्टूडेंट में से आपका एक बंदा गया और एक नया बंदा आया, रिप्लेस कर गया उसको, इसी को कहा हमने रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग ना क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा देखेंगे, उस टाइप के समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने पहले आपको बता रखा था, थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार कंसेप्ट उसका रिकॉल करा देती हूँ कि मान लो 3 बंदे हैं हमारे पे, 10, 20, 30। ठीक है, सबका जो है, सबके पास 3 बंदों पे रुपए हैं 10, 20, 30। एक ए बी सी 3 बंदे हैं, उसपे 10, 20, 30 रुपए है, ऑन एन एवरेज सब पे 20 रुपए है। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, जो अभी नेक्स्ट मैं बताने वाली, इसका तो मैंने बता दिया था आपको कि अगर कोई कितने भी बंदे आएंगे आपके 20 रुपए लेकर के, तो ऑन एवरेज में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अगर हम या फिर हम 20 को हटाएंगे तो भी हमारे एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम 10 को हटाएंगे तो ये क्या था, ये जो है इससे क्या 10 ले रहा था, इससे एक्स्ट्रा, इसमें -10 था, इससे प्लस एक्स्ट्रा 10 था, तो इससे ये 10 बोरो कर रहा था, तो जब हम इस 10 को हटाएंगे तो ये क्या करेगा, बोरो, भाई इसमें जो कम है वो बोरो इससे नहीं करेगा, ये देगा नहीं इसको, तो ये आपस में ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आपस में ही मैनेज करेंगे, मतलब आपकी एवरेज क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसी तरीके से हम 30 वाले को जब निकाल लेंगे, 10-20 को करेंगे बस, तो हमारी एवरेज घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि ये जो 10 था अपना एक्स्ट्रा, वो भी तो साथ लेकर के वो निकल जाएगा। ठीक है, ये हमने समझ रखा था। अब जो है क्या हम लोग करेंगे ना, कि मान लो 3 बंदे हैं, ठीक है, 20 को हमने निकाल दिया,
बीस को बी को हमने निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद उसकी जगह हमने डी को बुलाया और सेम 20 रुपए उसके पास भी हैं, तो भी क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि 20 ही एवरेज थी, 20 निकला है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी एवरेज हमारी 20 है, 20 लेकर क्या है, तब भी हमारी एवरेज 20 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं कहूं कि ये 20, ये तो मान लो 20 है, अगर मैं कहूं ये सी निकल जाए आपका 30 लेकर के और डी आए, ठीक है, तो देखो फर्क पड़ेगा, एवरेज हमारी चेंज होगी, क्यों? क्योंकि भाई देखो ये इसके पास था कितना 30, एक्स्ट्रा कितना था इसपे 10 था एवरेज से, ठीक है। अब 30 ये जो 10 एक्स्ट्रा है ये अपना एक्स्ट्रा ले करके तो चला जाएगा, दैट मीन्स ये जो आया है वो हमारा कम वाला आया है, ठीक है, गया है, जो ज्यादा वाला आया हमारा एवरेज से कम वाला है, मतलब हमारी एवरेज ऑन एन एवरेज टोटल क्या होगी, डिक्रीज करेगी, समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर मान लो ये हमारा रहे और इसको हम हटा दें, ठीक है, उसकी जगह हम डी को ले आएंगे, अगर ए की जगह ए को हम हटा दें और डी को ले आए, तो ऑन एन एवरेज क्या होगा भाई, इसके पास कम था, ठीक है, ये 10 रुपए और बोरो कर रहा था, तो अभी जब हम इसको निकाल दिए ग्रुप से, कह तुम निकलो डी, तुम आ जाओ, तुम्हारे पे ज्यादा है, ठीक है, तुम आ जाओ, तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्यों पड़ेगा, कि भाई ये जो कम लेकर के था, जो सबसे हम लोग को बांटना पड़ा था, इसको इसको हम लोगों ने निकाल दिया है, अब हमने डी को बुला दिया, उससे ज्यादा वाला है, ठीक है, तो इसको हमें बांटना नहीं पड़ेगा, मतलब हमारी एवरेज बढ़ जाएगी, समझ में आई बात। तो रिप्लेसमेंट में भी क्या होता है ना, कि आपका एवरेज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, सेम रह सकता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कितना कौन लेके जा रहा है, कितना कौन लेकर के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये हम लोग डिसाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज हम लोग रखते हैं ना, बाकी उसपे इस पे क्वेश्चन मैं जब आपको कराऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको उतना अच्छे से क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे समझाने की तो कोशिश मैंने करी है आपको, लेकिन जब मैं कल क्वेश्चन कराऊंगी ना तब अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे चल रही है चीजें, तब आप अच्छे से समझ पाओगे और कर भी पाओगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग आज यहीं पर एंड करते हैं इस लेक्चर को, और हाँ, जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और आप लोग देखो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो, पसंद आए पढ़ाना लाइक भी कर दो, क्योंकि हमें भी भाई मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ ठीक है लाइक्स आ रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाना, तो ठीक है हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर तब तक अपना ख्याल रखो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, और रिप्लेसमेंट भी बेस्ड हम लोग और क्वेश्चन करेंगे और चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।